लाइफ में कभी इतना डेंजर रास्ता देखे थे? अरे लाइफ में छोड़ो, हम तो सोचा रहे वहीं से तो रिटर्न हो जाओ। तो बहुत डेंजर था, बहुत क्रिटिकल रास्ता था, लेकिन बस हमने उसको ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिया था। तो पब्लिक रेडी है ना जाने के लिए बीच पे? हाँ, सब सब रेडी है बिल्कुल। मार मार मार, कुछ कुछ फिशिंग कर रहे हैं और फंसा। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मछली। चलो आज छूट गए। हाँ तेरी एक मछली फंसी थी कटिए में, लेकिन खींचने में लगा मछली चारा खा के निकल गई और बड़ी मछली थी, तो घर देखने को मिल सकता था। घर देखते हैं, हो सकता है कुछ दूसरा मछली में हम लोग को भी मिल जाए तो हम भी लगाएंगे यार कटिया। अभी हम लोग तो आ गए हैं यहाँ पे जो जीजान का जो समुंदर है, ये बीच नहीं है, लेकिन हम लोग क्या सोच के आए थे यहाँ पे बीच है, थोड़ा नहाएंगे वहाएंगे। हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं, थोड़ा दूसरा जो बीच जो दिख रहा है उधर उस साइड में है, और वहाँ पे जहाज़ भी है कुछ, और यहाँ पे हम लोग आए हैं, थोड़ा कुछ लोग हैं, दो चार लोग हैं जो मछली मार रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी फ़िलहाल, समुंदर तो खैर यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ एरिया भी नहीं है जहाँ पे जिसको एक्सप्लोर कर सकें, और जगह भी मिला था उसमें आप जा नहीं सकते क्योंकि गेट बंद था उसका, तो क्या पता कोरोना की वजह से बंद हो, चाहे तो हो सकता है आज जुमा है इसके वजह से बंद होगा। इसमें कुछ मछलियाँ हैं देख सकते हैं यहाँ पर, कितने छोटे छोटे मछली हैं अभी फ़िलहाल। अभी जो समुंदर का जो लहर है स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग जो घाट पे भी गए थे वहाँ पे कुछ फायदा नहीं हुआ, ये टाइम हो गया थोड़ा ओवर, और चलते हैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं जहाँ पे बीच पे चलते हैं, और वहीं पे थोड़ा नहाने वाने को मिल जाएगा, और देखते हैं। फिलहाल कह नहीं सकते, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे, तो वीडियो में बने रहें। ले लेते हैं यहाँ से खाने के लिए, और फिलहाल यहाँ पे कोई यहाँ पे जो नाश्ता का या होटल वोटल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कचमच, और दो आदमी तो खैर यहाँ पे शाकाहारी हैं साथ में, तो खैर देखते हैं केक और थोड़ा पेप्सी वगैरह ले कर निकलते हैं यहाँ से। तो बंदे भाई क्या हाल है? ठीक है। और चलो भाई अभी केक को देखो कितना हिसाब हो रहा है फिलहाल। किधर से आप लोग? बांग्लादेश। बांग्लादेश, हाँ चलिए अच्छी बात है भाई। तो देख ले कितना आपका का? हम लोग सब इंडिया या उत्तर प्रदेश से? पूरा यूपी। पूरा 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 पूरा। हाँ तो ये रसगुल्ला भी मिल गया हम लोगों को इधर। बंद भैया किधर का रसगुल्ला आपने मंगाया? ये पाकिस्तान से बनाया। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो ये वाला मत दो, एक दे दो बस। इसमें वैसा ले लो, दुर्यल का नहीं अभी, बस काफ़ी है इतना। ठीक है भाई, गिलास। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने अभी नाश्ता पूरा भरपूर ले लिया है, घर खाते पीते हैं, फिर चलते हैं बीच पे और देखते हैं क्या क्या वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो अभी भाई लोग हम लोग आ गए हैं बीच सऊदी अरबिया जो जीजान का है, और हम लोग जा रहे हैं अभी, कैमरा भी हमारा गोप्रो कैमरा सेटअप है, और चलते हैं थोड़ा अंदर समुंदर में। खैर मोबाइल तो मैं नहीं ले सकता, थोड़ा अंदर आ जाओ। आ जाओ यार, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं, देख सकते हैं कि कितना कितने लोग अभी बीच में घुसे हुए हैं अंदर। Oh, my God.
भाई मछली मछली यार थोड़ा और अंदर चलते हैं ना, और अंदर चलते देखते क्या हाल है। ओ ऐसा तो लहर डर सारा कितना नमक है यार। अभी लहर तो स्टार्ट हो गया। और फीलिंग हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, बेटर फील। कैसा फीलिंग हो रहा है बाबा? फील बेटर, बेटर। हाँ जमुना प्रसाद जी सर, कैसा फीलिंग हो रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा समुद्र में पौड़ने का लोग नहा धो के अभी रेडी हो गए हैं। खैर हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा हम लोग का कपड़ा थोड़ा सूखा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर पन्नी में ऐसे ही गीला रख देंगे तो स्मेल करने का कपड़ा, तो इसलिए अभी थोड़ा सूखा देते हैं, थोड़ा पानी वानी भर जाता है। और अभी जो समुंदर का जो लहर है ना, बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। और हमारे पीछे जो व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सूदी बचाए मछली यमनी, हम लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं, इन्जॉय करते हैं। खैर आज तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय, सऊदी में मुझे 8-8.5 साल हो गया, आज पहली बार इतना मज़ा आया। खैर समय तो लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास से 450-500 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। तो खैर अभी यहाँ से चलते हैं कहीं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या अच्छा जो जगह है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहें। टाइम अभी 2 बजने वाला है, तो हम लोग आ गए थोड़ा होटल पर खाना वाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, बस वो नाश्ता वगैरह किए थे, केक वेक खाए थे, तो खैर खा लेते हैं इधर खाना वाना, फिर निकलते हैं आगे के लिए, देखते हैं कहाँ कहाँ पे जा पाते हैं। और एक हमारे गांव वाले और भी रहते हैं, तो उनके पास भी जाना है। पे हम लोगों को 2 वैरायटी का खाना खाने वाले हैं, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे शाकाहारी और 8 लोग हैं मांसाहारी। खैर हम लोग का 8 लोगों का जो टीम है बैठ चुका है मांसाहारी खाना खाने के लिए, और साथ में इधर 2 इंसान हैं जो शाकाहारी हैं, तो इनके लिए खाना अलग से ऑर्डर गया है। लोगों ने खाना वीना तो खा लिया है, सबका बतन फूल है ना, अभी लगने डायरेक्ट चावल जाता 2 मिनट खातिर।
तो अभी हम लोग जो होटल में खाना खाए और आ गए छोटे लाल भाई के पास। अब ये भी अपने ही गांव से हैं और 4 साल पहले नजरान में ही रहते थे, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे साथ में, तो खैर भेंट मुलाकात ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन जब से जीजान में आ गए, तो शायद पहली बार मैं जीजान में आया हूँ, और जीजान में आके फिर कुछ ज़्यादा ही लंबा यानी सफ़र करना पड़ा इधर से, और साथ साथ में त्रिलोकी भी यहाँ पे। हाँ त्रिलोकी, और बढ़िया है ना इधर सब? सब ठीक ठाक? ठीक है। अच्छा अच्छा, चल रहा है ना सब कुछ? हाँ सब अच्छा। गाँव वालों का कुछ बोले है? चलो ठीक है फिर, चलिए सब निकलते हैं, जो है जहाँ पे सब मस्त रहे आराम से रहें। तो हम लोग भी निकलते हैं क्योंकि बहुत लंबा टूर है, लंबा सफ़र है। तो खैर अभी टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, 4 बजने को आ गया है। 8:01 PM अभी हम लोग जो है एक बहुत घना जो पहाड़ी है, ये रास्ता तो बना हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा चढ़ान है ना कि अभी देख सकते हैं जो गाड़ी अभी गया है, अगर लाइट देख सकते हैं, लाइट आप देख सकते हैं पीछे, और कितना ऊपर ही चढ़ते जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा चढ़ान है इसमें। और बैक साइड से मैं दिखाता हूँ कितना ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और भी ये पूरा ये पहाड़ है, वो पहाड़ है वो भी फिर भी नीचे दिखाई दे रहा है, और नीचे का जो शहर है आप देख सकते हो, जो लाइट है नीचे का जो शहर दिख रहा है कैसा। तो अभी हम लोग थोड़ा गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं, गाड़ी ठंडा हो जाता है फिर निकलते हैं आगे। और ऐसा जो रास्ता है ना, हम लोग मैप को देखते हुए आ रहे थे लेकिन खैर किसी को क्लियर ये मालूम नहीं था कि रास्ता इतना चढ़ान वाला होगा। 2000 years later. अब जाके हम लोगों को सांस में सांस आया है क्योंकि अभी हम लोग जो जहन्नुम वाला जो रास्ता है ना, हम लोग बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट दे रहे हैं, हम लोग भी रेस्ट कर रहे हैं, और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं साथ साथ में थोड़ा चाय भी, यहाँ पे एक गुफिया है तो यहाँ पे थोड़ा चाय भी पी लेते हैं। तो हाँ मोरे भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोबारा कान पकड़ लो, उस रास्ते से नहीं जाना। हालत रास्ते जाना, उस रास्ते से हालत सबकी खराब हो गई भाई। तो अभी मैं मिलवाता हूँ सब लोगों से क्या एक्सपीरियंस रहा सबका, और सबसे पूछते हैं, क्योंकि ये रास्ते में कसम से बता रहा हूँ इतना डर मुझे भी कभी नहीं लगा, इतना मैं सफ़र किया इतना डर मुझे भी कभी नहीं लगा था जितना डर इस रास्ते पर लगा हुआ है। ऐसा महसूस हो, मैं बोल दिया हूँ मेरा फटी थी बहुत जोर से, रास्ता बहुत डेंजर था भाई साहब, देख के ही हालत ख़राब हो गया, एक के रास्ता ही हालत ख़राब हो गया है भाई साहब, और रास्ता इतना खतरनाक था ना, सबकी फटी पड़ी थी। लाइफ में कभी इतना डेंजर रास्ता देखे थे? अरे लाइफ में छोड़ो, हम तो सोच रहे वहीं से दिन रिटर्न हो जाओ, दोबारा दूसरा रास्ता कौन दिया? हाँ कृष्णा, हाँ भाई रास्ता तो बहुत डेंजर था, बहुत क्रिटिकल रास्ता था, लेकिन बस हमने उसको ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिया था, भगवान जैसा करेगा अच्छा ही करेगा, बस उन्हीं के सहारे सब छोड़ा था हमने। अब पूछो भाई अब कैसे हम लोग यहाँ आ गए, बस ऊपर वाले की देन है, इतना डेंजर रास्ता जिंदगी में जब से पहली बार देखा हूँ, यानी इतना दिन हो गया ड्राइविंग करते करते अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, डेंजर रास्ता कभी नहीं देखा, किसी किसी मुश्किल घड़ी में हम लोग यहाँ पार होके आ गए। A few moments later. अभी हम लोग पूरा 1:30 बजे रूम पे पहुँच चुके हैं, और जो सफर रहा ना बहुत ही मज़ेदार, डरावना, और साथ साथ में जैसे बोलते हैं ना मिस्टेरियस, यानी मिस्टेरियस वाला सफ़र रहा है। और जो रास्ते में जो हालत ख़राब हुआ था ना, बहुत ही डेंजर, बहुत ही प्रॉब्लम वाला जो रास्ता था ना, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ख़राब था। खैर ये तो रास्ता और ये जो सफ़र है कभी भूलेगा नहीं, और इतना जो ख़राब एक्सपीरियंस आज तक लाइफ में कभी नहीं हुआ था। तो खैर अगर दिन वाला जो मैटर होता तो खैर मैं वीडियो वहाँ का ज़रूर मैं शूट किया होता, लेकिन नाइट में पूरा अब लाइट भी नहीं था उधर, चाहे ड्राइवर का साहस बोले चाहे कुछ भी, अगर किसी से अगर हम लोग निकल के आए हैं बाहर तो समझ लीजिए उसी का हिम्मत बोलेंगे। तो खैर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वो मिलता है दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।